दोस्तों, यदि आप शहर और किसी टाउन में रहते होंगे तो ब्लू डार्ट कूरियर के बारे में जरूर सुना होगा। यदि आप कोई भी पैकेट यानी कि सामान या कोई डॉक्यूमेंट यानी पेपर्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो वैसे आप पोस्ट के द्वारा यानी डाक के द्वारा भेजते होंगे, लेकिन कूरियर के द्वारा भी भेजने की दोस्तों आपने सोची होगी और आपने हो सकता है भेजा भी हो। दोस्तों, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है, कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि ब्लू डार्ट से कूरियर अगर भेजना है, पैकेट कोई भेजना है, तो दोस्तों उसके रेट्स कैसे होंगे, किस प्रकार से उनको कांटेक्ट किया जाए और किस तरह से अपने कूरियर को भेजा जाए। तो दोस्तों, इन सब के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे किस प्रकार से दोस्तों आप अपने पैकेट को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपकी जो लोकेशन, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आसपास कूरियर कहाँ पर है ब्लू डार्ट का, वो आप कैसे पता करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आना है blue.com में। ये आपको वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों, सबसे पहले ही आप वेबसाइट जब खोलते हैं तो यहाँ पर लोकेशन फाइंडर आता है, तो आप लोकेशन फाइंडर में जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। जैसे कि मैं एक कोई एग्जाम्पल लेके देख डालता हूँ दोस्तों, जैसे एक ये पिन कोड मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है एक पिन कोड जो कि उत्तर प्रदेश का है, और आपको जैसे ही आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तो दोस्तों वहां पर ही आपको एड्रेस दिखाएगा कि कहाँ पर इनकी लोकेशन है कुरियर की। वहां पर आप जा करके आप अपने पैकेट को या डॉक्यूमेंट को आप दे सकते हैं, और साइड में आपको कौन कौन सी सर्विसेज दी गई हैं ये भी दिया हुआ है। तो इसमें एक आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, एयर पैकेज भेज सकते हैं, ग्राउंड पैकेज और इंटरनेशनल पैकेज, सभी तरह के इसमें फैसिलिटीज यहाँ पर इस पिन कोड के अगेंस्ट में दी गई हैं। साथ ही साथ अगर आप फोन करके अपने ऑफिस या घर से पिकअप करवाना चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट या पैकेट, तो भी ये फैसिलिटी, यस यस सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। और डिलीवरी का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो डिलीवरी भी यहाँ पर इस एरिया में होती है। दोस्तों, अगर आप इस वेबसाइट के माध्यम से नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और आपको पूरा डिटेल वहां पर बता दिया जाएगा। वो डिटेल आपको पूरा बताएंगे किस प्रकार से आप अपने पैकेज या डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कि लोकेशन कैसे फाइंड की जाए अपने आपके एरिया में, और किस प्रकार से जो है दोस्तों बात करके उनसे आप भेज सकते हैं अपने कूरियर को। अब आते हैं दोस्तों बात की प्राइस कितना होगा, पैसा कितना लगेगा आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ चलते हैं ट्रांजिट टाइम एंड प्राइस कैलकुलेटर में। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ पर आप अपना पैकेट भेजना चाहते हैं, फ्रॉम टू, और यहाँ पर वेट आपको डालना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई एक लोकेशन जैसे दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर भेजना है आपको वो कोई लोकेशन जैसे हम लोग शिमला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो शिमला हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर वेट आपको केजी में डालना है, तो 1.5 kg जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम वेट कैलकुलेटर का भी काफी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने वॉल्यूम वेट का भी वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि जो कूरियर वाला आएगा वो जरूर इसको कैलकुलेशन करेगा। इसका इंपॉर्टेंस इस तरह से दोस्तों कि 1.5 kg का मान लिया आपका वेट है, लेकिन अगर कोई हल्की चीज है तो इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा, और भारी चीज है उसका वॉल्यूम कम होगा। तो दोस्तों, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वो जो सामान वेट और वॉल्यूम होगा उससे ज्यादा पैसा लेगा, यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम बढ़ता है तब भी उसका प्राइस आपका बढ़ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों ये बुकिंग डेट के लिए, बुकिंग डेट हम मान लिया कल की सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइमिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फाइंड में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर फाइंड में, तो ये यहाँ पर रेट्स ये आपको दे देता है कुछ एक, जो यहाँ पर जो डिटेल्स आपको दिए डॉक्यूमेंट्स के, एयर पैकेज के, ग्राउंड पैकेज के रेट्स यहाँ पर ये दे देता है। दोस्तों, एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको प्राइस जरूर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और भी इसकी जो हमने आपको कहा था कि दो तरह के रेट्स होते हैं, तो दोस्तों ये एक्चुअली क्या है, ये रेट्स इनके जो भी होते हैं इन रेट्स का ये शहर वाइज भी अलग अलग डिफर करते हैं। कुछ जैसे मेट्रो सिटीज में इनके रेट्स कम होते हैं दोस्तों, वो हम आपको दिखाएंगे अभी। तो 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 kg के लिए इनके जो अभी रेट्स हैं वो 900 रुपये डॉक्यूमेंट्स के हैं, और एयर पैकेज यानी बाई एयर जाएगा तो इनके 2078 रुपये हैं, और ग्राउंड पैकेज के इतने हैं। तो दोस्तों, ये आपको हम आपको बताते हैं कि ये जो बड़े शहरों में क्या रेट्स होते हैं उसके बारे में दोस्तों बताते हैं। तो ये एक वेबसाइट का इनका लिंक है जो कि हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये लिंक खुल गया था। दोस्तों, इसका लिंक का डिटेल भी हमने डिस्क्रिप्शन में इस लिंक का दे दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके कई तरह के प्लान यहाँ पर दिए हुए हैं, डोमेस्टिक प्रायोरिटी 1030, डोमेस्टिक प्रायोरिटी
1200 आवर्स। तो दोस्तों और क्रिटिकल एक्सप्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीनिंग दोस्तों ये है कि आपको अगर 10:30 तक आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट को चाहिए तो ये उस तरह की सर्विस देते हैं। लेकिन ये सर्विस इनकी यहाँ पर है दोस्तों, देख लीजिए कि ये चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, नवी मुंबई, गुड़गांव, यहाँ पर ये आपको नेक्स्ट बिजनेस बिजनेस डे में 10:30 आवर्स पर भी कोई भी पैकेट को ये लोग डिलीवरी करेंगे। लेकिन ये पिकअप यहाँ सब जगह से कर सकते हैं, यानी कि ये डेस्टिनेशन तो यहाँ पर होगा लेकिन पिकअप इन सब जगह से कर देंगे दोस्तों। लेकिन इनके रेट्स काफ़ी कम है इस बाईस, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये फर्स्ट 500 ग्राम्स के लिए 150 है, उसके बाद एडिशनल 500 ग्राम्स के लिए आपका ये 75 रुपया है। तो दोस्तों जब ही हमने अभी 1.5 kg के लिए जो सिलेक्ट किया था दोस्तों, उसके लिए केवल 300 रुपये लगेगा इस, अगर इन शहरों के बीच में आपका आपको कोई पैकेट को भेजना है। लेकिन अगर अदर शहरों के लिए आपका है तो आपका जो रेट्स हमने अभी आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाया है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके रेट्स को देख करके आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं किस प्रकार से आपको इसको भेजना है। तो दोस्तों ये पूरा तरीका रहा कि आप किस प्रकार से आप अपने कुरियर के रेट को आप कंपेयर कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने कुरियर को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अपनी बुकिंग करानी है तो ये नंबर दिया हुआ है आपको, मैंने पहले भी नंबर दिखाया है, 1-860-233-1234। इस नंबर पे आप कॉल करके बुकिंग भी कर सकते हैं और वो कुरियर वाले आ करके आपके पैकेट को ले जाएंगे और फिर आपको डेस्टिनेशन पे जहाँ भी भेजना है आप भेज सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, ये है कि इसमें जब भी आप बुकिंग करने जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप मान लिया वेबसाइट के थ्रू बुक रहे हैं कोई पैकेट को, तो जैसे ये आपने रेट्स मान लिया आपने कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर बुक नाउ में क्लिक करेंगे, कहने का मतलब ऑनलाइन जब बुक करते हैं उसके तरीके बता रहा हूँ दोस्तों, टेलीफोनिकली नहीं। तो आप यहाँ पर जैसे बुक करेंगे दोस्तों, ये लॉगिन करने के लिए आपको कहेगा कि आप लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर इस तरह का आप बड़ी चीजें भेज रहे हैं और रेगुलरली भेजते हैं तो आप अपने अपना यहाँ अकाउंट बना लीजिए और आप यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप दोस्तों इसको पैकेट को बुक करके आप भेज सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता था किस प्रकार से आप प्राइस को, लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से टाइमिंग को आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रैकिंग का तो यहाँ पे है ही, मैंने आपको ट्रैकिंग का वीडियो पहले एक बनाया हुआ था उसके बारे में आपको बताया था, तो यहाँ से आप किसी भी अपने पैकेट को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों की जानकारी आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गई होगी, कैसे आप ब्लू डार्ट कुरियर के जो अपने लोकल कुरियर को कैसे सर्च कर सकते हैं, प्लस आपने जहाँ भेजना चाहते हैं जिस पैकेट को उसका प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।